हाय एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन। यू आर वॉचिंग एशी रेक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं वीडियो लखनीत व्लॉग्स से, जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि नई गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ। कैसे हुआ मतलब सीरियसली हुआ है या वैसे लिखा है? चलो देख लेते हैं, वीडियो देख के पता लग ही जाएगा। और लखनीत व्लॉग्स से हम अक्सर रिएक्ट करते ही रहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जी इस वीडियो का। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखा तो जाइए, ओरिजिनल क्रिएटर का राइट है भाई, उसे सपोर्ट कीजिए और फिर रिएक्शन देखने के लिए हमारे पास आ जाइए। ठीक है, कहना हमारा फर्ज है। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 एन। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्र। आज है नवरात्रि हेलो का हेलो पहला हेलो। दिन और आज हम लोगों ने पूजा कर ली है। मैं डेलकोट में भी पूजा कराई, यहाँ पर हमारा वर्किंग रूम है वहां पर भी पूजा कर करा गई मैं। हमारे पाई की थोड़ी तबीयत डाउन है आज, भाई जल्दी ठीक हो जाए, सब प्रे करो। ठीक है भाई, मॉम और मेरा फास्ट है पूरे 9 दिन का, है मॉम? ये हमारे जो फॉलोअर है, उन्होंने किसी ने पाई को भेजा था जयपुर में। कितने प्यारे से गणेश जी लग रहे हैं। इन गणेश जी सट्टे को हम से रखेंगे कहाँ पे? नहीं तो पूजा घर में, मंदिर में, मंदिर में। और ये नीतू को दिए। नीतू के लिए स्पेशल यहाँ पर सुबह सुबह आरती चल रही है। आरती हो चुकी है, लेकिन अब ये हमारी यूट्यूब फेसबुक सारी ऑडियंस के लिए भगवान का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। भगवान आपकी जिंदगी खुशियों से भर दे माता रानी। ओके, थैंक यू थैंक यू। देखो दो तरीके के लोग हैं, ऐसा आपको बनना है और ऐसा आपको नहीं बनना है। क्योंकि ये भी देखो, ये भी इसी घर की बेटी है और अभी तक नहाई भी नहीं है। पूजा अर्चना तो बहुत घंघोर ऑनलाइन बेचती हैं। अभी होली पे तो नहाई थी वो यार। तो बोलो, बोल कौन रहा है? होली पे तो नहीं थी, अभी साइड ले जा रही है। तो मीटिंग थी इसलिए वो नहा नहीं पाई। हमारा क्या था बताओ, होल खुल गया है। दोनों भाई बहन सेम है। सुबह सुबह घर पर क्या हो रहा है? पूजा का खाना रेडी हो रहा है। माँ आप क्या कर रहे हो? मखाने रेडी कर रही हूँ नीतू के लिए। ओके, तो माँ मखाने रेडी कर रही हैं। मखाने मैं आ गई हूँ, अपने भाई को लेके जा रही हूँ पालक देने के लिए। उसके बाद मुझे करना है चेंज और फिर हमको शूट स्टार्ट करना है। कर ली भाई पूजा? वेरी गुड। हम आए हैं गाय माता जी को पालक देने के लिए। अब मैंने चेंज कर लिया, फिर से चली मैं घर की तरफ और अब जाके हम करेंगे शूट थोड़ा सा। जय माता दी। इस चीज का नवरात्रों का खाने की शुरुआत होगी। अब हम अब तो 9 दिन खुशी खुशी मॉम खा रही है यहाँ पर व्रत का खाना। मॉम क्या क्या है इस प्लेट में, थाली में? मखाने, आलू, दही। ठीक है मॉम, एक ही टाइम खाएंगे और फिर शाम को अगर भूख लगेगी तो शाम को, है ना मॉम? तूने कुछ खाया नहीं? खाया मैं खाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा, बस व्रत रोता होता है ना सभी को। और अभी तो क्या डोनेशन क्या होती है? मम्मी ने बहुत फनी चीज दिखाई, नहीं तो जरा एक तरफ दिखाते हैं। एक दादी है और वो किसी को कॉल कर रही होंगी, लेकिन यही वाली एक्टिंग अब नीतू भी करेगी। दिखाना मम्मी, आइए तो देखी थी तूने क्यों उठाया है। पार्टी का मजाक उड़ा रहे थे। बेचारी भोली भाली दादी है। हम अपने आप वाई से बात करेंगे। अम्मा ज्यादा गुस्सा हो गई मम्मी है। अच्छी लगा ऐसी वीडियो। चले। अरे भाई कैसे कर रही तू? नीतू नहीं, ऐसे नहीं रखते तुम। मैं की छोटी बच्ची हूँ। चल, हमारे घर में एक कॉमन प्रॉब्लम होगी, मतलब बहुत कॉमन है, वो है नीतू का फोन खोना, जो कि डेली 2-3 बार खो ही जाता है। मैं शूट के लिए वेट कर रहा हूँ अभी तक और नीतू का कोई अता कौन पता सा है। शूट? और मैं यहाँ कर देख रहा हूँ कि वो जो हमने बनाया था डिटॉक्स वाटर, वो डिटॉक्स वाटर गायब हो चुका है। कहाँ है भाई डिटॉक्स वाटर? फेक वेक तो नहीं दिया? ओह, ये कैसा बन गया है, ये जैसे तालाब का पानी होता है। अब राइट टाइम है इसको पीने का, तो मैं ये रिस्क लेने जा रहा हूँ। आप अभी मत लेना ये रिस्क, मतलब वीडियो देखते ही मत लेना। आप कल और परसों के पहले मेरी वीडियो देखना, मतलब अगर मैं सही सलामत रहता हूँ तो ये आप करना, ठीक है? हाँ भाई, लबर दे भर दे। क्या है इसमें? तुझे पता है मैं ज्यादा नहीं पी पाने का। हाँ यार, इसमें से खुशबू ना पुदीने की आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है पुदीने का पानी सही होता है वैसे, वो साफ ही पीते हैं ना वैसे। हाँ, मैं एक चीज बताना भूलिया कि ब्लड भी प्योरीफाई करता है, तो ये है होम मेड रेमेडी। पूरी रेसिपी बताओ भाई। बैड यार, नॉट बैड। देखो ट्राई करते हैं। पता मतलब टेस्ट पता है मुझे कि टेस्ट तो बहुत अच्छा है, बाकी रिजल्ट क्या होगा वो आप 2 दिन में देख लेना मेरी हेल्थ कैसी होती है। वैसे अच्छे ही इसका रिजल्ट आएगा। और अच्छी बात क्या है कि मैं खाली पेट हूँ, तो ठीक है पीता हूँ उसको। तो आज नवरात्रों में कुछ वैसा खाना नहीं मंगना, बाहर से मंगाया पास्ता, ये किया मिक्स सॉस स्पैगेटी,
यार पास्ता कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं था, लाइक ओके ओके था, बट इट्स ओके। अब नीतू जा रही है दिल्ली। नीतू तू मेरे को लेके क्यों नहीं जाती यार? दिल्ली क्यों? मॉम ने बोला कि हस्बैंड्स को लेकर नहीं जाते हैं। मॉम से सीख रही है सारी चीजें तू अब? यहाँ पर चल रही है ज्ञान की बातें। वेरी गुड लखन, वेरी गुड। और तुम ऐसे क्यों बैठी हो? फास्ट है, सभी का फास्ट है, समझी? फास्ट में नहीं तो तू यार ऐसे बैठ जा जल्दी पागल, तेरा फास्ट टूट जाएगा। सच में बैठ जा ऐसे ही, तेरे भी तो फास्ट है ना? हाँ बस भूख लग रही होगी यार इसको। फास्ट है बाय। कितनी अच्छी बात है ना, घर में शांति शांति रहेगी। बाय। आप लोग निकल चुके हैं यहाँ पर काम निपटाने के लिए अपना। अब नहीं गाड़ी का कहीं जाते हुए तो नहीं हुआ? कितने टाइम के बाद तू घर जा रहा है? चल चल इतना भी झूठ मत बोल, तू बहुत 10-15 दिन हो गए इसको यहाँ पर रहते रहते। बेचारे को मैं जाने नहीं देती, आज फाइनली जा रहा है, मगर ये कल आ जाएगा सुबह शाम को ही, है ना? अरे कर रहने तो दे, संडे संडे करो, फंडे कर दूंगी। पूनम दीदी और संडे के बिना हमारा काम हो नहीं पाता, तो मैं चाहती हूँ कि ये दोनों रहे, आस पास ही रहे मगर रहे, रोहित यहाँ पर फुल जिगरे से काम कर रहा है। देखो हमने गुची की फोटो लगाई हुई है अपने मैक स्टूडियो में। ये हार्ड वर्किंग लड़का, इसको किसी की जरूरत नहीं, अकेले लगा रहता है। नीतू अभी तक आई नहीं है और गुची परेशान हो रहा है। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। गुची, नीतू, नीटू, अब देखना कैसे परेशान हो जाएगा, ढूंढने लगेगा उसको। नीटू, अब ढूंढने लगेगा। नीटू 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 नीटू, बड़ा अकलमंद है। नीटू आ गई, नीटू आ गई, देखो देखो, नीटू आ गई, नीटू। अरे क्यों मजे ले रहे यार बेचारे के। नीटू आ गई, हाँ कहाँ गई, कहाँ गई? अरे नीटू कहाँ है? वो रही, वो रही। नहीं ये तो नीतू की बहन है, क्यों कैसे ढूंढने गया है? नहीं ये तो ये देखा, इसने देखा भाग गया एकदम। नीटू कहाँ है? नीटू इधर से देखे, नीचे तो नहीं आ गई? यहाँ से देखो, यहाँ से निकली, नीचे आ गई हो नीटू। आ जाओ आ जाओ, नीचे तो नहीं आ गई नीटू, देखना देखना कितना समझता है। देखो यहाँ तो नहीं आ गई। अरे समझता तो है लेकिन तुम मजे ले रहे हो। नीटू तो नहीं आ गई अभी? अभी नहीं आई। नहीं अभी तो नहीं आई यार, बाबू यहीं से चेक करता रहता है। जब नीतू घर पे नहीं होती ना तो इधर बैठ के बस रास्ता देखता रहता है कि नीतू गाड़ी कब आएगी और कब वो घर आएगी। नीटू बड़ा समझदार है। नहीं है? हाँ नहीं है, नहीं अभी नहीं आई बाबू, अभी नहीं आई, नहीं आई, अब उसको ढूंढ के ही रहेगा ये। नीतू आ गई, नीतू मैंने कैसे कर रहा है। नीतू गुची, नीतू अब तो सच में आ गई, नीतू सच में आ गई, सच में आ गई, नीतू नीतू सच में आ गई, अब तो ये आ गए। दरवाजे पे ही बैठा था। हाय चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, दूसरे से नहीं मिलना भाई। देखो ढूंढता है पूरे घर में ये। एक बार बोल दो नीतू आ गई, आ गई, आ गई, अब तो बहुत खुश है भाई, चाल ही बदल गई एकदम। ये देख नो? अरे खुश है भाई वो, लेनी तू लिमका, ये वही है। अच्छा तू नहीं पी सकती ना, तेरा फास्ट है इसलिए। कितनी अच्छी चीज़ है, नेचुरल लिमका। और ये है हमारे लिमका का भंडार। मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही बना लिया हमने, पर ठीक है मैं इसको पी जाऊंगा इस बार। अब हम लोग चल रहे हैं विला की तरफ। सो फ्रेंड्स फाइनली एक बात जो आप सबसे शेयर करनी थी वो ये कि आप लोग देख भी रहे हो कि ना नीतू ने पापा को गाड़ी गिफ्ट की, लाइक नीतू ने गाड़ी गिफ्ट की थी किया कार्निवल, लेकिन वो आपने दो ही दिन देखी व्लॉग्स में, उसके बाद से वो मिसिंग थी। तो मिसिंग नहीं थी यार, एक्चुअली जो मेरा ड्राइवर भैया है ना वो उनसे कहीं उन्होंने ठोक दी, तो नई गाड़ी ठोक दी। उसके बाद ना पापा काफ़ी गुस्सा हुए, क्योंकि पापा का कहना ये था, क्योंकि शादी के टाइम पे जब वो गाड़ी आई ना घर में तो हम इतने ज़्यादा बिजी थे, कभी कोई कहीं था कोई कहीं था, कि हम लोग ना उसकी पूजा नहीं करवा पाए। तो यार ऐसा हुआ कि घर में पहली गाड़ी, इकलौती गाड़ी जो बिना पूजा के आ गई। और पापा का कहना, हाँ तक कि मतलब पापा का कहना भी ठीक है अपनी जगह, कि यार देखो पहली गाड़ी है जो बिना पूजा के घर में आई है और उसी का एक्सीडेंट हो गया। तो वो तो अच्छा हुआ कि मतलब बहुत माइनर एक्सीडेंट है, आगे से बस थोड़ा बोनेट को डैमेज हुआ है, बोनेट के भी नीचे जो एरिया होता है उसको डैमेज हुआ है बम्पर को। तो बाकी ऐसा कोई एज सच कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब पापा का गुस्सा अपनी जगह जायज था। और यार गिफ्ट में गाड़ी ऑलरेडी वहाँ थी सर्विस सेंटर पे, कल तक ठीक हो जाएगी, कल मैं उसको लेकर आऊँगा गाड़ी को वापस। और लाने से पहले पापा का सीधा आदेश है कि बेटा सबसे पहले गाड़ी मंदिर लेके जाना, उसकी पूजा होगी उसके बाद घर पर आएगी। तो ठीक है, जो हुक्म मेरे पापा। ओके ओके ओके। तो जनाब वैसे हमें कहीं दिखी तो नहीं कि क्या एक्सीडेंट हुआ था, कैसे हुआ, डिटेल्स भी नहीं थी, बस इतना बताया गया कि ड्राइवर अंकल जो हैं उनसे लग गई और गिफ्ट की थी नीतू ने,
और बाकी भी लोग में तो हमने देखा कि 9 दिन का व्रत रखते हैं वो था। और ये इसका ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब हम मुस्लिम जो रोज़ा रखते हैं ना रमज़ान में, या किसी वैसे तो किसी भी दिन रख सकते हैं, मतलब कुछ दिन हैं जिनमें मना है, बाकी तो पूरा साल आपकी मर्ज़ी ही रखें, लेकिन स्पेसिफिक जो डेज़ होते हैं वो रमज़ान के होते हैं। और वो होता है कि सुबह सादिक यानी जो फजर की अज़ान होती है ना सुबह 4:30 पौने 5, उससे पहले पहले आपने खाना पीना है। यानी रमज़ान में सब लोग 2:30 बजे उठते हैं रात के, खाना वाना बनाते हैं, 3 बजे खाना शुरू करते हैं, 4 बजे तक खा लेते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं। उसके बाद फिर 8-9 बजे दोबारा उठ के, और फिर शाम को ये मतलब जब सूरज ग़ुरूब होगा यानी सनसेट होगा, तो आपको पता है हर एरिया में डिफरेंट होता है, तो कहीं पर लंबा होता है रोज़ा, कहीं पर छोटा होता है, लेकिन मोर और लेस जो है ना 13-14 घंटे तो का तो होता है ये जो फास्टिंग होती है। तो आपका क्या प्रोसेस होता है, इसी तरह होता है या फिर 13-14 घंटे का ड्यूरेशन होता है या उससे कम होता है? और फिर हमने देखा कि घर वालों के मज़े लिए जा रहे थे, हैं भाई कोई अगर बैठा है रिलैक्स तो बैठा रहने दो, ये ज़बरदस्ती थोड़ी है कि मतलब नहा के आओ, नहा लेगी, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद फिर नीटू का शूट था कोई दिल्ली में, क्या शूट था ये भी हमें नहीं पता। और फिर वो बेचारा जो क्यूट सा डोगी है उसको ये तंग कर रहा था बेचारे को, है नीटू का है ना वो शायद, इसलिए वो ढूंढता फिर रहा था। और लास्ट में हमें पता लगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। चलो आई होप कि जो ड्राइवर थे और अगर कोई बैठा हुआ था साथ वो सब सेफ़ हों, बाकी यार मटेरियलिस्टिक चीज़ है, हो ही जाती है, सही भी हो जाएगी, कोई टेंशन तो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, सी यू गाइस।